हेलो ग्रेड थर्ड हाउ आर यू आई एम यूर ईवीएस टीचर सोनी टूडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर टेन ऑफ एल ट्रेवलिंग दिस इज एनसीईआरटी बुक चैप्टर इलेवन फ्रॉम हियर टू देयर ओके वट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग मीन्स होता है यात्रा करना ठीक है जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो दैट इज से न से ट्रेवलिंग वेन वी विल गो वन प्लेस टू अनादर प्लेस ओके देर आर वेरियस मीन बात सारे यातायात के साधन होते हैं जिनके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं यानी कि ट्रेवलिंग करते हैं In this chapter, let us some of them. इन दिस चैप्टर लेट एस एक्सप्लाइज समेम चलो इनमें से कुछ हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की नीड क्यों होती है ये जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि जो बस कार वैन वगैरह ये सारी चीजें हैं ये क्या है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी जरूरत क्यों होती है लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस वेज बाय व्हिच पीपल कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अच्छा कौन-कौन से वेज होते हैं जिनके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिनके द्वारा बैठकर जिसमें जाते हैं पीपल कैन ट्रेवल बाय कार बस ट्रेन प्लेन और द बोट जो लोग हैं इनके द्वारा यात्रा करते हैं जैसे कि कार बस ट्रेन प्लेन और बोट दे कैन वॉक और द इवन राइड अ हॉर्स वो पैदल चलकर भी जा सकते हैं या घोड़े की सवारी कर भी जा सकते हैं व्हाट आर देरियस वेज बाय विच पीपल कैन मूव गुड्स फ्रॉम वन टू वन प्लेस टू अनदर अच्छा ये बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा लोग जो गुड्स होते हैं गुड्स क्या होती हैं जो ये चीजें होती हैं उनको बोलते हैं गुड्स गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं लोग पीपल कैन मूव गुड्स ऑन ट्रक्स शिप्स प्लेन्स और द ट्रेन जो लोग इन गुड्स को गुड्स मैंने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं ट्रक्स में शिप्स में प्लेन्स में और ट्रेन में लुक एट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट गिवन हेयर वो देखो वो कह रहा है कि ये जो चीजें दी गई है इनकी तरफ देखिए देखिए ओके कैन यू टेल वेयर दीज फूड्स आइटम आर प्रोड्यूज एंड हाउ दे रीच अस क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये चीजें कहाँ बनती हैं और हमारे तक कैसे पहुंचती हैं लेट्स टॉक अबाउट इट चलो इसके बारे में अब बात करते हैं the variety of the product shown in the previous page previous not this page okay yahan par this aayega this page is produced at different places far away from our homes वो कहता कि अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं इसी पेज पर जो कि एक दूसरे जगह से हमारी जो घर है वहां से बहुत दूर से वो चीजें बनती हैं दूर के प्लेस से बनती है हमारे घर में थोड़ी बनती है ना तो ये चीजें दूर ही बनती है हमारे घर से ओके दीज आर कैरिड फ्रॉम द प्लेसेस थ्रो रेल रोड और एयर एंड आर मेड अवेलेबल टू अस ये जो चीजें बनती हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती हैं रेल से रोड से एयर से और ताकि हमारे तक अवेलेबल हो सके ट्रक्स टेम्पो एंड द आर ऑल यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये जो चीजें हैं ये कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ट्रक टेम्पो और बुलकाट कार्ट वगैरह होती हैं जो इनको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट गुड्स होता है कि चीज़ों को गुड्स मैंने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट मैंने एक जगह से दूसरे ले जाने जगह ले जाने के लिए इन चीज़ों को यूज किया जाता है ओके ऑल दीज मोड्स आर यूज सिंपली टू इंश्योर दैट वी गेट आवर सप्लाई ऑफ द फ्रेश वेजिटेबल्स और द मिल्क इनसे पता चलता है कि ये सिंपल मोड ऑफ कि ये सिंपल तरीके हैं जिस जिनके द्वारा ये जो सप्लाई है किसकी फ्रेश वेजिटेबल और मिल्क की हमारे पास जिनकी ये चीजें फ्रेश हमारे पास पहुंचे ये सिंपल मोड है ट्रांसपोर्ट का वी बाय फ्रेश मिल्क एवरी डे वेर वी लिव इन सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस हमें जो है ताज़ा दूध मिलता है हर रोज ताज़ा दूध खरीद के लाते हैं ना परचेज करके लाते हैं चाहे वो कोई भी है सिटी में रह रहा है या शहर में रह रहा है या टाउन में रह रहे हैं या किसी भी गांव में रह रहा है सभी को फ्रेश दूध चाहिए होता है डेली इन सम एरियाज वेयर आर विलेजेस नियर बाय कुछ एरिया में तो जो गांव है वो नजदीक है या कुछ गांव में ही रहते हैं उनके लिए क्या फेसिलिटी है इट इज इवन इजियर टू गेट फ्रेश मिल्क एस मिल्क मैन विल प्रोबली डिलीवर इट ओन हिज बाईसाइकिल उनके लिए क्या इजी हो जाता है कि जो फ्रेश मिल्क होता है वो एक जो मिल्क uh, मैन होता है मीन्स दूध बेचने वाला जो होता है वो अब शायद अपनी साइकिल के ऊपर उसको रख के तो डिलीवर कर रहता है होम टू होम होम डिलीवरी होती है ना तो वो चीजें हो जाती है कि घर घर जाके दूध दे आता है फ्रेश जब वो मिल्क होता है हेवरी वी सी पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग बसेज ट्रेन कार्स स्कूटर्स रिक्शाज एंड द साइकिल्स हम हर जगह देखते हैं कि लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं मीन्स यात्रा कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसके द्वारा बस ट्रेन कार स्कूटर और रिक्शा एंड द साइकिल्स के द्वारा पीपल है ऑफ ट्रांसपोर्ट जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी च्वाइस होती है किसके लिए यात्रा करने के लिए इनकी यात्रा को कैसे करे है ना वो किस पे डिपेंड होती हैं ये चीजें वो कैसे यात्रा करें हैनी बॉडी कैन ट्रेवल टू डेस्टिनेशन ऑफ द देयर चॉइस बाय सी बाय एयर और बाय ट्रेन जो भी कोई भी होता है वो अपना ट्रैवलिंग कैसे करता है किस चीज से निश्चित करता है कि कितनी दूरी है पहले तो ये चीज देखते हैं और कि, वो चॉइस करता है कि वो बाय सी जाए या बाय एयर जाए या बाय ट्रेन जाए दाइ द च्वाइस ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट वी विश टू यूज विल डिपेंड अपॉन वेयर वी विश टू गो हम हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूरी तक जाना है और क्या जो जहाँ पर जाना है उसके लिए जो भी हमारी चाहता है हम कोई भी चूज कर सकते हैं मोड ऑफ़ द ट्रांसपोर्ट और चॉइस विल मेनली डिपेंड ऑन द वट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट कनेक्ट अवर करंट लोकेशन एंड और hour and uh, destination followed by the time taken to the travel and the ticket cost ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है वो कह रहा है कि जो जहां पर करंट लोकेशन यानी या कि जहां पर हम अभी हैं उसको बोलेंगे करंट लोकेशन और जहां पर हमें जाना है उसको बोलेंगे एंड लोकेशन ठीक है यानी कि या, जहाँ हमें जा है वहां से लेकर जहां हमें जाना है वहां तक हमें कितना टाइम लगेगा और जो हमारी टिकट है उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं नीड ऑफ द Need for the transport me. Okay, you will read it carefully. Okay.